स्टार्ट हो गई। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग कहना चाहिए, गुड आफ्टरनून का तो टाइम निकल ही चुका है। फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है 8 से 10 बजे तक। आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? आज पढ़ाए जाएंगे आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं हर एग्जाम्स में और बच्चों के गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या लिखे क्या नहीं लिखे। आज पर आज अगर कि आपने क्लास अटेंड कर ली तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें साइंस का आता हो तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, कई बार मिलान करने को कि इसका में क्या होता है, और कुछ जो है होते हैं मिलान करने के लिए। कुछ में ऐसा होता है कि एक पोर्शन में हम कंफ्यूज, इंटरलिंक्ड होता, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है। तो परंतु आज के बाद जो आपके डिफरेंस वाला जो ये डाउट रहता है मन में, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन वो है इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या मतलब क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड इवोलेटिंग हियरिंग कैपेसिटी। आप बच्चों, आप सभी को पता है, अब तो कम हो गया, पहले क्या होता, ऑडियो ऑडियो कैसेट्स जो आती थी। तो ऑडियो का मतलब क्या होगा? ऑडियो ऑडियो हमेशा किससे रिलेटेड होता है? कानों से, सुनने से। और वीडियो किससे रिलेटेड होता है? देखने से, देखने के लिए वीडियो। तो आपने क्या, ऑडियो कॉल क्या होगी? हम कानों के द्वारा सिर्फ सुनेंगे, वीडियो वीडियो में हम देखेंगे भी और सुनेंगे। तो इसमें आ गया आप ऑडियो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट से इन्हें आप तोड़ो, तोड़ने के बाद आप कीवर्ड को पे सोचो तो आपको आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हमारा क्या, जैसे पहला है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग हियरिंग, सॉरी, हियरिंग एक्यूरेटली। तो हियरिंग किससे होती है? सुनने से, श्रवण शक्ति। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑडियो। तो हियरिंग एक्यूरेटली, तो ऑडियोमीटर जो होता है रिलेटेड इवेल्यूटिंग हियरिंग, हियरिंग से रिलेटेड है हमारा ऑडियो। तो जहां होता है कि हम ढंग से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, वो कौन करता है? हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियो किससे रिलेटेड है? हियरिंग से। देखो इन्हें याद करने को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये कि आप 2-3 बार इन्हें पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा। 1 मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, जो अगला एपरेटस भी कह सकते हैं इसे, वो है हमारा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या होता है? इट ए टाइप ऑफ बैरोमीटर दैट रिकॉर्ड्स द एटमोस्फियरिक प्रेशर ओवर टाइम इन ए ग्राफिकल फॉर्म। देखो बैरोमीटर तो हमारा एटमोस्फियरिक प्रेशर को नापता है, तो बैरोमीटर क्या क्या मतलब होता है? एटमोस्फियर प्रेशर को नापना, इस ये है हमारा बैरोग्राफ। तो बैरो से आप करेंगे कि ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है, और ग्राफ का मतलब है ये जो अपनी रीडिंग है अपने स्केल मापने के बाद कैसे वो प्रेजेंट करेगा, वो करेगा ग्राफिकल फॉर्म में। तो बैरो आप डिवीजन करें बैरो और ग्राफ। बैरो का मतलब होता है आपका एस, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक। और ग्राफ का अपना जो रिजल्ट है, अपना आउटकम है, ये ग्राफिकल फॉर्म में करेगा। तो ये एक रिलेटेड क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर लिख लेते हैं पे, इन ग्राफ, ग्राफ की फॉर्म में। अगला इसी से रिलेटेड क्या है? अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। क्या है प्यारे बच्चों? बैरोमीटर, ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए जो डिवाइस यूज होता है। अब हमारा जो बैरोमीटर है बच्चों, चलो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। बैरोमीटर की अगर रीडिंग अचानक नीचे आ जाए,
एकदम हमारी नीचे आ जाती रीडिंग, तो उसका मतलब ये होगा कि अब जो है तूफान आने वाला, एक स्टॉर्म आने वाला है। अगर इसकी रीडिंग एकदम नीचे आ जाए तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। अगर इसकी स्लोली स्लोली जाए तो हमारा एटमोस्फियर बिल्कुल क्लियर रहेगा, वातावरण बिल्कुल साफ रहेगा, और अचानक किसी और अचानक धीरे धीरे जाए तो मतलब बारिश होने वाली, मतलब एकदम से चली जाए तो वो हो जाए बारिश होने वाली। तो बैरोमीटर का कार्य क्या होता है? डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा बोलोमीटर। प्यारे बच्चों कौन सा है? बोलोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? बोलोमीटर। बोलोमीटर का कार्य क्या होता है? ए डिवाइस टू मेजर द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाय द हीटिंग ऑफ ए मटेरियल विद टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ये तो बड़ा लंबा हो गया, अब इसकी भी थोड़ी तरकीब निकालते हैं कि कैसे हम बोलोमीटर को याद कर दें। तो एक सबसे पहले तो डिवाइस हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, मेजर द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाय हीटिंग ऑफ ए मटेरियल विद द टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ये इसका काम करेगा, बोलो का मीटर का हो जाएगा ये हमारा एक तरीके से थर्मोमीटर का, थर्मोमीटर का जो कार्य हो जाएगा। तो ये क्या क्या कुछ कुछ इसकी क्वालिटीज आपको पायरोमीटर से नहीं लिखती। पायरोमीटर जो होता है वो भी किस पे डिपेंडेंट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द हीटिंग मटेरियल। तो बोलोमीटर क्या एक तरीके का क्या हो गया? थर्मोमीटर। डिवाइस मेजर द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय हीटिंग ऑफ ए मटेरियल विद टेम्परेचर डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। जो टेम्परेचर डिपेंड किस पे करता है हमारे? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पे। किस पे? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पे। अब देखते हैं अपना अगला इंस्ट्रूमेंट कौन है। अगला इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं इसे, अगला हम इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ अगला एपरेटस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं और एपरेटस भी कह सकते हैं। तो क्या है? वो है कैलिफर्स। कैलिफर्स क्या है बच्चों? अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? कैलिफर। क्या है बच्चों? कैलिफर। एक कैलिफर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ये क्या है प्यारे बच्चों? डिवाइस है। कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसकी दो अपोजिट डायरेक्शन के बीच कितना डिस्टेंस होगा, उसकी दो अपोजिट डायरेक्शन के बीच कितना डिस्टेंस होगा, ये नापते हैं हमारे कैलिफर्स। जो कोई ए, जैसे ए और बी हमारी साइड्स हैं, ए और बी हैं, इसके बीच कितना डिस्टेंस होगा ये नापा जाता है हमारा कैलिफर्स से। तो कैलिफर इज डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट से हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। कैलोरीमीटर। अगला है हमारा प्यारे बच्चों कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री और द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंज एज वेल एज द हीट कैपेसिटी। कैलोरी का मतलब होता है, देखो कैलोरी तो हमारी एनर्जी किसकी यूनिट है? हीट की, और यूनिट है साथ में साथ ही एनर्जी की यूनिट है। हम जो खाना खाते हैं वो किस में नापता जाता है कि कितने हमें कैलोरी चाहिए। इसके अलावा हमारी हीट की दो यूनिट है, एक तो जूल है और दूसरी है कैलोरी। एक तो जूल है, दूसरी है कैलोरी। तो कैलोरीमीटर का क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज द हीट कैपेसिटी। तो उसे मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक कैलोरीमीटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री और द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज एज वेल एज द हीट कैपेसिटी।
मेजरिंग द हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस, मेजरिंग द हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंज एज वेल एज द हीट कैपेसिटी। कार्डियोग्राफ अगला है हमारा, कार्डियो अगला है हमारा कार्डियोग्राफ, जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा बच्चों कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ हार्ट। कार्डियोग्राफ क्या है प्यारे बच्चों? ये होता है हमारा मूवमेंट, हार्ट का मूवमेंट, मूवमेंट से कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक, कब ये हमारा जो है सिस्टोलिक तरीके से मतलब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, कब रिलैक्सेशन होता है, उसे मैनेज करता है। कार्डियोग्राफी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ द हीट। एन इंस्ट्रूमेंट जो होता है जैसे बच्चों कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है कि कार्डियो का मतलब होता है हृदय, हृदय से रिलेटेड होता है। तो कार्डियो का मतलब होगा हमारा कार्डियो का मतलब होता कहीं भी कार्डियो हो जाए तो उसका होता हार्ट। कहीं भी आपका वर्ड कार्डियो हो जाए तो उसके आपको मतलब है, आपको समझना है कि वो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियोग्राफ हो गया, कार्डियोग्राम हो गया, कार्डियोलॉजिक लॉजी हो गया और कार्डियक सर्जन हो गया। ये क्या होता है हमारा? कार्डियोग्राफ होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ हार्ट, जो रिकॉर्ड करता है ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू जो है हमारे मूवमेंट, हार्ट का मूवमेंट कैसे समझेंगे? जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रेक्शन करता है फिर रिलैक्सेशन होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, जिसमें होती है हमारी हार्ट बीट होती है, जिससे हमारी हार्ट बीट होती है। तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो होता है वो होता है हमारा हार्ट का मूवमेंट, इससे हमारी हृदय गति बनती है। कार्डियोग्राफ क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन किसका? हार्ट का। और इसे मूवमेंट जो होता है, ये तो हमारा मूवमेंट हो गया, अब इसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करता है? वो ग्राफ में आपने देखो ये, जब हम कार्डियोग्राफ करवाते हैं तो हमारा उसे उसमें एक जो है इंस्ट्रूमेंट एक ग्राफ की वो बनी हुई आती है इस तरीके से, तो वो और एक लंबी सा पेपर होता है, उसे हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब अगला है हमारा क्रोनोमीटर। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीस टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू मीट द सर्टेन प्रिसीजन स्टैंडर्ड्स। इट इज यूज्ड फॉर नेविगेटर्स इन द सी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा कौन यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हमारे नाविक। कौन यूज करते हैं हमारे नाविक? जो क्रोनोमीटर, सेलर्स जो होते हैं हमारे, सेलर्स जो होते हैं वो नेविगेशन, तो नेविगेशन में जो सेलर्स यूज करते हैं हमारे कौन करते हैं? सवाल कैसे बनेगा? इसे यूज कौन करता है? इसे यूज करते हैं हमारे नेविगेटर, जो सेलर्स होते हैं नेविगेशन में। इट ये क्या है? अब इसे तोड़ते हैं। क्रोनोमीटर, मीटर हो गया। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीस टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू मीट द सर्टेन प्रिसीजन स्टैंडर्ड। कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको जो किस तरीके से हमें जाना है, कितनी दिशा में जाना, तो प्रायर एक्सपेरिमेंट और प्रायर एक्सपीरियंस
और उसे टेस्ट करने के बाद ये डिवाइस बनाया गया, और ये यूज होता है हमारे जो नेविगेटर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्र में यात्रा कर रहे होते हैं, तो यूज होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीस टेस्टेड एंड सर्टिफाइड द मीट सर्टेन प्रिसीजंस एंड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड को मैनेज करता है, स्टैंडर्ड को मैनेज करता है। अब इन्हें सारे इंस्ट्रूमेंट है, अब इनमें से हम जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कॉमन है उन्हें याद करते हैं, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे हम निशान लगा लेंगे, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। हमारा दूसरा है कैलोरीमीटर, ए डिवाइस यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। देखो जो ये होता है, ये कैलोरीमीटर नहीं है, कैलोरीमीटर है कलर से, कल एक जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, ए डिवाइस, डिवाइस एक तरीके यूज टू मेजर का मेजर था एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेवलेंथ किसी किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब बाय ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन उसे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसे ये मैनेज करता है, कौन करता है, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन द्वारा। ए डिवाइस यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। अगला है हमारा कैथिटोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस। दो प्रकार के डिस्टेंस होते हैं हमारे, तो सबसे पहले इसमें ये आपको कैलोरीमीटर में क्या करना है, आपको ये एब्जॉर्ब करता है ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय स्पेसिफिक सॉल्यूशन। कुछ हम एक प्रकार का सॉल्यूशन है, उसमें जो अगर है किसी पर लाइट मारे तो लाइट अगर जाएगी तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो आएगी लाइट जो होगा उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हर लाइट का हर कलर की एक वेवलेंथ होती है, वो आपको विवग्योर जो के थ्रू पता चलती है कि रेड की वेवलेंथ कितनी है, वॉयलेट की कितनी है, तो वेवलेंथ जो होती है उसे ये एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अगला है हमारा कैथिटोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस। दो प्रकार के डिस्टेंस होते हैं, एक तो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक होते हैं हमारे वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल होते हैं सीधे और हॉरिजॉन्टल होते हैं इस तरीके से, तो जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं हमारे इस प्रकार के, उन्हें मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, करते हैं कैथिटोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम बच्चों, कैथोटीमीटर। कैथोटीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो नापते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस करते हैं हम कैथोटीमीटर द्वारा। वर्टिकल डिस्टेंस अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है कायरोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है प्यारे बच्चों, कायरोमीटर, ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कायरोमीटर क्या है, ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट है हमारा कोई भी, उसमें जो बहुत ही लो टेम्परेचर आ रहा है, बहुत ही कम टेम्परेचर आ रहा है, उससे जब थर्मोमीटर एक लिमिट तक नाप सकता है, जो माइनस में माइनस 40 से नीचे माइनस 50 पहुंच चुका है उसे कैसे नापेंगे, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा है कायरोमीटर। क्या है इंस्ट्रूमेंट, कायरोमीटर, जो बहुत माइनस में बहुत कम टेम्परेचर को मापने के लिए होता है हमारा कायरोमीटर। इसके विपरीत बहुत हाइयर टेम्परेचर को मापने के लिए क्या यूज होता है, पाइरोमीटर। पाइरोमीटर का यूज होता है बहुत हाइयर टेम्परेचर को मापने के लिए, जैसे हमारा सोलर सिस्टम में स्टार्स हुए, उसका टेम्परेचर कितना है, हमारे सूरज का कितना टेम्परेचर है, जो भट्टियां होती जैसे पिघला हुआ ये होता है स्टील हुआ, या फिर आयरन, इनका टेम्परेचर कितना हुआ, तो ये किस पे होता है, रेडियो में ये रेडिएशन पे बेस होता है। तो पाइरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर, और हमारा कायरोमीटर
वेरी वेरी लो टेम्परेचर का टाइप ऑफ थर्मोमीटर मेजर द वेरी लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर और कैथेटोमीटर है हमारा वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा साइक्लोट्रॉन एन एपरेटस दैट एक्यूरेट द चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर अलोंग द स्पाइरल पाथ। हमारा अगला वो क्या है इंस्ट्रूमेंट क्या है साइक्लोट्रॉन का एन एपरेटस दैट एक्सिलरेट द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ यह हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं चार्ज में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर कैसा होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन में कैसे चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो एपरेटस होता है एक तरीके से एपरेटस होता है वो एक्सिलरेट करता है उन्हें दौड़ाता है किसमें चार्ज पार्टिकल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर सेंटर से चार्ज पार्टिकल्स को हटाने के लिए दूर करता है उन्हें वो क्या होता है हमारा साइक्लोट्रॉन का इंस्ट्रूमेंट है जो सेंटर से चार्ज पार्टिकल्स को दूर करता है सेंटर से यह भगाता है टूवर्ड सेंटर्स अलोंग ए स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ कैसा होता है इस तरीके का पाथ ये नहीं होगा ये स्पाइरल पाथ की तरफ फैलाता है तो ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्रिस्कोग्राफ। क्या है प्यारे बच्चों क्रिस्कोग्राफ ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ इन द प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिवाइस है क्रिस्कोग्राफ। क्या होता है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करता है। किसकी ग्रोथ को करेगा प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करेगा उनमें कितनी ग्रोथ हुई है उसे कौन मेजर करेगा हमारा क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ किसे मेजर करेगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। मेजर प्लांट्स ग्रोथ ये क्या होता है साइक्लोट्रॉन के एक्सिलरेट एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स आउटवर्ड चार्ज पार्टिकल्स को आउटवर्ड कौन करता है हमारा साइक्लोट्रॉन। तो ये इनके जो कीवर्ड्स हैं वो ये होता है और ये रिलेटेड किसके करता है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। अब देखते हैं अगला इससे पहले हम लेते हैं प्यारा सा एक छोटा सा 10 सेकंड का ब्रेक जिससे हम सर पिएंगे पानी। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा डिलेटोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स वॉल्यूम चेंज कॉज बाय अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। वॉल्यूम क्या होता है हमारा
वॉल्यूम के किसी को चेंज होना किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा, वो आता है हमारे डिलेटोमीटर में। एन इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर वॉल्यूम चेंज बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। डिलेटोमीटर में क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमारे जो है हमारा वॉल्यूम चेंज किसी भी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल क्या होता है, जो इसमें हम फिजिकली वर्क करते हैं, हमने हाथ से मारा या जो जो हमारी फिजिकल, और केमिकल हमने कोई कार्य किसी केमिकल द्वारा करा तो वो होता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के अलावा जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है किसमें, किसी में जो साइज में वॉल्यूम, वॉल्यूम उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, वो करते हैं हम डिलेटोमीटर में। किसके द्वारा, डिलेटोमीटर। अगला जो हमारा डिवाइस है वो है हमारा डिप सर्किल। अगला है हमारा डिप सर्किल। डिप सर्किल क्या है, ए डिवाइस यूज टू मेजर द एंगल बिटवीन द हॉरिजन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये डिवाइस है जो मेजर करता है एंगल बिटवीन द, एंगल बिटवीन द हॉरिजन, हॉरिजन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अ डिप एंगल, डिप जो इसे, और जो अर्थ होराइजन मतलब आसमान से फिर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड तक जो हम एंगल निकालेंगे, ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बच्चों यहां पे, और ये होराइजन हो गया, तो यहां से जो एंगल निकलेगा ये होगा हमारा डिप एंगल, इसे होंगे हम डिप एंगल कहेंगे, और ये जो सर्किल बनेगा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसे कहेंगे हम डिप सर्किल, डिप सर्किल। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से होराइजन दूर तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा डिप एंगल, और जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा हमारा डिप सर्किल जिसके थ्रू हम ये एंगल निकालेंगे। एंगल बिटवीन द होराइजन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Between the horizon earth, between the angle between the major angle between the अगला इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही कॉमन है वो है हमारा प्यारे बच्चों डायनामो। क्या है हमारा डायनामो, एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम जैसे हमारे साइकिल में जो होती है, हमारी साइकिल होती है उसमें हम लाइट में डायनामो लगा देते हैं, क्या होता है जैसे हमारे साइकिल के जो पहिए चलेंगे हम पैर मनाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, उस मैकेनिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और तो एक लाइट जो है आगे जलने लगती है, एक लाइट जलने लगती है। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनामो क्या है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है हमारा डायनामो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा हमारा डायनामो। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है हमारा डायनामो। डायनामोमीटर ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स टॉर्क और पावर ऑफ द इंजन। अब जैसे डायनामो का क्या हो गया, हमारे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा डायनामोमीटर। ये क्या होता है, ए डिवाइस जो यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द फोर्स टॉर्क एंड पावर ऑफ द इंजन। जो हमारे किसी पे फोर्स कितना लगा है, उस पर कितनी टॉर्क लगी है, उस पर कितना फोर्स लगा है, उस पर कितनी टॉर्क लगी है और पावर कितनी लगी है, ये इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम करते हैं, वो होता है हमारा डायनामोमीटर। क्या प्यारे बच्चों, डायनामोमीटर ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स टॉर्क और पावर ऑफ द इंजन। फोर्स को, टॉर्क को और पावर को जो इंजन की मेजर करता है, वो करता है हमारा, जो करता है हमारा डायनामोमीटर। मेजरिंग द फोर्स टॉर्क और पावर ऑफ द इंजन। फोर्स को, पावर को जो है, फोर्स को, टॉर्क को, पावर ऑफ द इंजन मेजर करता है। फोर्स को, टॉर्क को एंड पावर किसकी, और पावर ऑफ इंजन, डायनामोमीटर। डायनामोमीटर अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा इलेक्ट्रोइसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइसेफेलोग्राफ बड़ा लंबा नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती ईईजी। ईईजी एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन। हमारी जो ब्रेन का कहते हैं, साधारण भाषा में कहेंगे हमारे ब्रेन का जो एक्सरे होता है, हमारे ब्रेन का जो एक्सरे होता है उसे कहेंगे हम, कहेंगे इलेक्ट्रो ईईजी। ये रिलेटेड कहता है जो हमारे ब्रेन में एक्टिविटीज होती है। An instrument used to recording the electrical activities of the brain. हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जो नोट करता है, वो करता है हमारा ईईजी। जैसे किसी के ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई हमारे स्पॉट है या कोई भी बीमारी है, तो हम पूरी सर्जरी द्वारा तो देख नहीं सकते, ईईजी द्वारा हम चेक करते हैं कि ट्यूमर है या नहीं है, या क्लॉट है कोई ब्लड का या नहीं है, या कुछ हमारी ग्रोथ जो फंक्शनिंग सही से नहीं कर रहा है कोई पार्ट ब्रेन का, वो नहीं। तो ये क्या है, ब्रेन को जो चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जो जिसके द्वारा हम ब्रेन को वो चेक करते हैं वर्किंग के, उसकी जो फंक्शनिंग जो है वो कर होता है हमारा ईईजी। अगला है हमारा इलेक्ट्रोमीटर। An electrical instrument for measuring the electric charge or electric potential difference. अब एक instrument ऐसा है जो electrical charge और electrical potential difference को measure करता है। Electrical charge और electrical potential difference को measure करने के लिए होता है हमारा an electrical instrument used for measuring the electrical charge or electro potential difference. इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है, कौन करता है हमारा इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर किसे मेजर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस को। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक Thank you.
अगला हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि हमारी, क्या हमारी बॉडी पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज तो नहीं है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस, कोई हमारे मैग्नेट, कोई हमारी बॉडी पे इलेक्ट्रिकल चार्ज तो नहीं है, उससे यह इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, डिटेक्ट टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी। अगला है हमारा जो है इवोपोरीमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इवोपरेशन फ्रॉम वेट सरफेस टू द एटमोस्फियर। कोई भी गीली सतह है या फिर हमारे गीले कपड़ों से किस तरीके से हमारा इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन क्या होता है? लिक्विड का वाष्प बनना एट रूम टेम्परेचर। वेपर्स वेपराइजेशन में अलग होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है तो वेपर्स बन जाता है। इवोपरेशन में भी वेपर्स बनती हैं, पर एक कंडीशन है, इसमें रूम टेम्परेचर होता है। जैसे रूम टेम्परेचर, जैसे हमने हमारा पॉन्ड है उसमें पानी है, पानी डाले पानी कैसे सूख जाता है, ये तो नहीं हम पॉन्ड को गर्म करते हैं कि तालाब गर्म हो रहा है, इसी प्रकार हमारे कपड़े कैसे सूख जाते हैं, तो वो सब होता है हमारा इवोपरेशन की वजह से। तो जो इंस्ट्रूमेंट इवोपरेशन के प्रोसेस को टेस्ट करता है, चेक करता है कि कितना इवोपरेशन हुआ है गीली सरफेस से, उस इंस्ट्रूमेंट का प्यारे बच्चों नाम क्या है, वो हमारा इवापोरीमीटर। क्या है? इवापोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो वेट सरफेस से कितना कितना इवोपरेशन हुआ है उसे चेक करता, उसे मेजर करता है। मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इवोपरेशन फ्रॉम अ वेट सरफेस ऑफ द एटमोस्फियर, वेट सरफेस से वो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है इवोपोरीमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप जो जांच को कहते हैं हम एंडोस्कोपी, ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या इसमें क्या करते हैं? एक ट्यूब के द्वारा हम जो है एक छोटा सा कैमरा होता है वो फेस हमारे माउथ के द्वारा अंदर बॉडी में स्टमक वगैरह तक ले जाते हैं, अंदर इंटर, वो उसकी जो इमेज है वो भेजने लगता है, वो इमेज एक स्क्रीन पे आ जाती है, वो स्क्रीन पे आती है। तो किसी की बॉडी में कोई अल्सर है या कुछ वो है तो अल्सर्स वगैरह चेक करने के लिए होता है एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस जांच को कहते हैं हम एंडोस्कोपी। इस जांच को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एंडोस्कोपी। टू लुक इनसाइड द बॉडी, इवोपरेशन का क्या होता है? इवोपोरीमीटर टू मेजर रेट ऑफ इवोपरेशन। बॉडी से या फिर सरफेस, सरफेस कैसी होनी चाहिए? वेट। किसी भी सरफेस, वेट सरफेस पे किस रेट में इवोपोरेशन होता है? इवोपोरीमीटर के द्वारा। और एंडोस्कोपी एक कैमरा होता है, हमारे पेट में डालते हैं, अंदर की इमेज को हम लिया देख लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है हमारा फैदोमीटर। फैदोमीटर तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है।
पेडोमीटर एन एपरेटस मेजर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र में कितनी गहराई है वो उसे मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फेडोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट समुद्र की गहराई को मापता है कि डेप्थ ऑफ सी है, तो वो क्या होता है हमारा फेडोमीटर। ये हमारे बड़े बड़े बोट्स जो होती हैं या शिप होते हैं उनमें लगा होता है, सबमरीन्स में भी लगा होता है। क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? समुद्र की गहराई को मापने के लिए, डेप्थ ऑफ द डेप्थ ऑफ सी। किससे मेजर करते हैं हम? पेडोमीटर से। कितनी हाइट है, कितनी डेप्थ, मतलब उसकी गहराई को मापने के लिए यूज होता है पेडोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता है हमारा फ्लक्स मीटर। प्यारे बच्चों कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? फ्लक्स मीटर के द्वारा हम जो कि क्या मेजर करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसके द्वारा हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करते हैं वो होता है हमारे प्यारे बच्चों फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर। गैल्वेनोमीटर एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट। गैल्वेनोमीटर एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को हम डिटेक्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, फॉर डिटेक्ट करने के लिए और इंडिकेटिंग, जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, वो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। डिटेक्ट अब अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा ग्रेविमीटर। क्या है इंस्ट्रूमेंट बच्चों? अगला हमारा ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है उसे हम मेजर किससे करते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं हम ग्रेविमीटर द्वारा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं हम ग्रेविमीटर द्वारा। ग्रेविमीटर द्वारा हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा गायरोस्कोप, ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वो करते हैं हम गायरोस्कोप। गायरोस्कोप किस लिए होता है? एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। Measuring angular velocity. Angular velocity को measure किससे करते हैं हम? Angular velocity को measure करते हैं हम gyroscope के। An instrument used to measure angular velocity वो है हमारा gyroscope। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी को किसके मेजर करते हैं? जो होता है गैरोस्कोप के द्वारा। ये हाइड्रोमीटर तो हमारा बहुत ही बार आया है क्वेश्चंस में, ये बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है किसका? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। इस पे तो आप
स्टार का साइन लगा ही ले। तो हमारा स्टार का हाइग्रोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी किससे नापते हैं हम, जो है हम लिक्विड की डेंसिटी किसकी, कि डेंसिटी जो है नमी कितनी है उसमें डेंसिटी, वो नापी जाती है हाइड्रोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी और हाइग्रोफोन अंडर वाटर, फोन आ गया और हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोन अंदर, अंडर वाटर जो साउंड को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफोन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड भी करता है लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड, अंडर वाटर साउंड को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है हमारे हाइड्रोफोन। ये डिफरेंट एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स द्वारा जो आवाजें निकाली जाती हैं उन्हें हम इसके द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके द्वारा हम सुन सकते हैं। तो हमारा है हाइग्रोफोन का एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्ड एंड लिसनिंग अंडर वाटर साउंड। रिकॉर्ड एंड लिसन, अंडर वाटर साउंड्स, वो है हमारा हाइग्रोफोन। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा हाइग्रोमीटर। प्यारे बच्चों अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, हाइग्रोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द स्टोन। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा, अगला है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट भी होता है मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण में कितनी नमी है, ये किसके द्वारा नापा जाता है, ये नापा जाता है हमारे हाइग्रोमीटर द्वारा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वातावरण में कितनी नमी है ये किसके द्वारा नापते हैं हम, ये नापते हम, नापा जाती है हमारी रिलेटिव, ये हाइग्रोमीटर फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में कितनी नमी है इसे नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा हाइग्रोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा हाइग्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इंडिकेशन देता है कि वातावरण में, एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, वातावरण में एयर के अंदर कितनी नमी है उसका इंडिकेशन कौन देता है हमारा हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो वातावरण, एयर में कितनी नमी है उसका इंडिकेशन देता, उसका इंडिकेशन देता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइक्रोफोन। An instrument which gives the indication of humidity of air. चलिए भी लिख लेते हैं। Indication of humidity of air. Microphone, a nickname of is mic or mic.
आपने जो माइक होता है जिसमें हम गाने गा रहे होते हैं उसका जो छोटा नाम होता है माइक, और माइक पर इसका जो पूरा फोन वर्ड जो पूरा नाम है वो है हमारा माइक्रोफोन। इट्स निक नेम इज माइक और माइक। इट इज ए ट्रांसडक्टर, इज ए ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये ट्रांसफर करता है, कौन करता है हमारा माइक्रोफोन। इट्स अ निकनेम टू इज इट्स निकनेम इज माइक और माइक। इट्स अ ट्रांसड्यूसर, ये ट्रांसड्यूसर है दैट कन्वर्ट्स द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। साउंड वेव को कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। साउंड वेव को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। माइक्रोफोन, इट्स अ निकनेम इज माइक और माइक। जो माइक सुनते हैं वो क्या होता है, साउंड वेव्स को किसमें करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जो हमारा नॉर्मल क्या होगा, माइक्रोफोन को क्या कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करता है हमारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ये भी एक छोटा सा माइक है जो मैंने लगा रखा है, वो क्या है हमारा माइक है, क्या है माइक्रोफोन। साउंड एनर्जी को साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन करता है? हमारा माइक्रोफोन और माइक। माइक्रोटोम, माइक्रोटोम इट इज अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग एक्सट्रीमली थिन स्लाइस ऑफ मटेरियल्स नोन एज सेक्शन। इट यूज्ड स्पेशली इन द बायोलॉजी टू ऑब्जर्व सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत बारीकी से, बहुत ही पतली पतली जो स्लाइड्स बनाते हैं, बहुत ही पतली लेयर में उन्हें काटने के काम आता है, उसके द्वारा काटा जाता है। माइक्रो आ गया, माइक्रो बहुत ही माइनर साइज की, जो बहुत ही बारीक सी जो टूल होता है इसके द्वारा कटिंग और एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल की जो स्लाइस है बहुत ही पतली होंगी, बहुत ही थिन होंगी। कटिंग एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल। Cutting extremely thin slices of material known as section. Used especially in biology to observe the section. तो किसमें यूज होता है? हमारे थिन थिन स्लाइड्स जो बनाते हैं, जो हम बायोलॉजी में यूज करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो पतली पतली स्लाइड्स के द्वारा हम लेयर्स को चेक करते हैं। It is a tool for cutting extremely thin slices of material known as section. Used especially in biology to observe the sections under the microphone or electron microscope. For cutting sections. Sections क्या है प्यारे बच्चों? Sections है थिन स्लाइसेस, बहुत पतली पतली स्लाइस जो होती है, जो हम बायोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये हम क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइक्रोटोम। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है हमारा नेफ्रोस्कोप। ये इसका कार्य क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स की एल्टीट्यूड, उनकी डायरेक्शन, उनकी वेलोसिटी को किसके द्वारा, कि कितनी हाइट पे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, हमारे जो बादल होते हैं कितनी हाइट पे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं ये मेजर, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी उनकी डायरेक्शन है, ये सब मेजर करते हैं हम नेफ्रोस्कोप द्वारा। एल्टीट्यूड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारा? नेफ्रोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों? नेफ्रोस्कोप। नेफ्रोस्कोप के द्वारा हम जो क्लाउड्स की
तो इसके लिए आप नेफ्रोस्कोप के लिए क्लाउड्स डाल लो। क्लाउड्स की क्या वेलोसिटी है, क्या हाइट है, क्या डायरेक्शन है। अगला हमारा है ऑडोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील्ड व्हीकल। व्हील्ड व्हीकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील्ड व्हीकल, किसी भी व्हील्ड व्हीकल जिसपे व्हील्स लगे हुए उसके द्वारा कितना डिस्टेंस जो है हमारा ट्रेवल करा जाता है, वो करते हैं हम ऑडोमीटर द्वारा। क्या करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा? ऑडोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील्ड व्हीकल। वो होता है हमारा ऑडोमीटर। अगला है हमारा ऑन्डोमीटर, इसे लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील्ड व्हीकल। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑन्डोमीटर क्या है अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा? ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा, वेवलेंथ को मेजर करेगा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को, उनकी वेवलेंथ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उन्हें मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा ऑन्डोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर अराउंड थ्रू एन ऑब्जेक्ट कंडीशन दैट प्रिवेंट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर करंट पोजिशन। पेरिस्कोप एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम नीचे खड़े हैं, अब मुझे ऊपर देखना है तो मैं इस तरीके से एंगल इस तरीके से देखूंगा और काफी कई फिट के ऊपर जो चल रहा होगा वो क्या हो रहा होगा मुझे नीचे वो दिख जाएगा। तो हम हमारी पर्टिकुलर हाइट से ऊपर जो हमें देखना होता है वो पेरिस्कोप के मदद से देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर अराउंड और थ्रो एन ऑब्जेक्ट और अ कंडीशन दैट प्रिवेंट्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑब्जर्वर करंट पॉइंट। जैसे हमें यहां पे एक तरीके से होता है कोई व्यक्ति है, बड़ा गंदा बनना है, तो ये व्यक्ति है, इसे यहां पे देखना है यहां पे क्या हो रहा है, सूरज है, तो ये यहां पे,
तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, इसके मदद से ये देख लेता है, ये पर्टिकुलर एंगल्स पे जो बनता है इमेज बनती है वो सेट कर लेते हैं, वो इमेज जो यहां बनेगी वही ट्रांसफर होके इसकी आंखों के सामने बनेगी और ये उसे देख लेगा, जो जो ये इमेज सूरज की यहां पे पड़ेगी वो इमेज ट्रांसफर होके उसकी जो रेप्लिका यहां पड़ेगी उसकी रेप्लिका इसकी आंखों में जाएगी। तो एक लंबी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारा, पेरिस्कोप। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर अराउंड थ्रू एन ऑब्जेक्ट और कंडीशन दैट प्रिवेंट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन। दैट प्रिवेंट्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर करंट पोजिशन। अगला हमारा है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का मतलब होता है डिवाइस फॉर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। मैकेनिकली रिकॉर्ड करना और प्रोड्यूस करना साउंड को, वो हमारा फोनोग्राफ की मदद से। फोनोग्राफ जो होता है ए डिवाइस फॉर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड किसके द्वारा करते हैं हम, फोनोग्राफ की मदद से। किसकी मदद से, फोनोग्राफ की मदद से। मैकेनिकल रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड किसकी मदद से करेंगे हम, फोनोग्राफ की मदद से। अगला है हमारा फोटोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं हम फोटोमीटर के द्वारा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट करते हैं हम फोटोमीटर के द्वारा। जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता, वो होता है हमारा फोटोमीटर। फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पोटेंशियोमीटर अगला इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों हमारा, पोटेंशियोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वोल्टेज बाय कंपैरिजन ऑफ एन अननोन वोल्टेज विद अ नोइंग डिफरेंस ऑफ वोल्टेज और मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ अ डिफरेंस पोटेंशियल दैट टेंड्स टू गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ याद करना है एक रेजिस्टेंस है जो एक हमारे स्टैंडर्ड है उससे हम कंपेयर करते हैं अपने एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने से बोले जाते हैं वोल्टेज को मेजर करता है, किसको, वोल्टेज को, और एक स्टैंडर्ड है उससे अननोन जो पता नहीं उससे कंपेयर करता है, बस कितना आया है उससे कंपेयर करके हमारी वोल्टेज बता देता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वोल्टेज बाय कंपैरिजन ऑफ अननोन वोल्टेज विद द नोन रेफरेंस वोल्टेज, विद द नोन रेफरेंस वोल्टेज और टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है। अगला है हमारा फाइनोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है प्यारे बच्चों हमारा, फाइनोमीटर, ए लेबोरेटरी डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मेटीरियल और लिक्विड्स और सॉलिड। मेटीरियल कैसे होंगे, लिक्विड और सॉलिड होंगे।
ए लेबोरेटरी का डिवाइस जो करता है, मेजर करता है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की लेबोरेटरी डिवाइस होता है टू मेजर द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, कौन करता है? ए लेबोरेटरी डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी, डेंसिटी को उनकी क्या उनमें थिकनेस डेंसिटी है उसे। अगला हमारा फराइलोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिटेक्ट बीम सोलर इंडियंस, बीम सोलर इरेडियंस को मेजर करने के लिए होता है हमारा फेरानोमीटर। मेजरमेंट ऑफ बीम सोलर इरेडियंस, ये इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है आप बच्चों आपको सबको बड़ा बोरिंग होता है, पर पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इसी में से क्वेश्चन फंसते हैं, जो है हमारे क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। अब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर उन्हें हमें जब यूज नहीं करे होते तो हमें उनके बारे में पता नहीं होता, पर हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से तो हमें, हमारा मेन पर्पस क्या है? सेलेक्ट होना, सेलेक्ट होना जो कंपटीशन में आना। अब ये टॉपिक कंपटीशन में आया है तो आया है। कल को हम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे, एक तो होगा साउंड, साउंड के क्या होता है, दूसरा होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और हमारे जो ऐसा यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कल के फिजिक्स के लेक्चर में 11 बजे से, 11 से लेकर 2 बजे तक। अगला है हमारा पायरोमीटर, पायरोमीटर का मैंने बताया था ये क्या होता है, एक तरीके का थर्मोमीटर होता है जो रिमोट सेंसिंग रेडिएशन में, हाई टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस, सरफेस का जो वेरी रिमोट सेंसिंग रेडिएशन के द्वारा सरफेस का टेम्परेचर जो है उसे मेजर कर लेता है। जैसे सूरज का तापमान कितना होगा ये मापेंगे हम पायरोमीटर से, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनका तापमान कितना होगा वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक वो हम नापते हैं ये पायरोमीटर द्वारा, और ये यूज क्या करता है? रिमोट सेंसिंग रेडिएशन, और ये हायर टेम्परेचर बहुत ज्यादा तापमान जो होता है उसे मापने के काम आता है, कि नॉर्मल जो थर्मोमीटर होगा हम उसमें नापेंगे तो वो गल जाएगा, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा जो वो होता है उसे नापने के लिए होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर किसे यूज करता है? हमारा रिमोट सेंसिंग रेडिएशन, रिमोट सेंसिंग रेडिएशन होता है उसे यूज करता है। और जैसे हमारा सूरज है, अब सूरज पे तो हम थर्मामीटर लेके पहुंचने के नहीं है कि कितना टेम्परेचर है, तो हम जो उसकी रेडिएशंस आ रही होती हैं उसको जज करके उसका तापमान को हम निकाल लेते हैं। तो किस लिए होता है ये, इसका मेथड क्या है? वो होता है हमारे रेडिएशंस को जज करना, किन्हें? रेडिएशंस को जज। अगला है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है साइक्रोमीटर, एन एपरेटस यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फियर, वातावरण में कितनी नमी है, वातावरण की जो नमी नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम? साइकोमीटर, साइको साइक्रो साइक्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। किसको नापा जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। एपरेटस मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एपरेटस टू मेजर रिमोट सेंसिंग रेडिएशंस के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा हम जो है हाई टेम्परेचर को नापते हैं। मेजर करें हाई टेम्परेचर को मेजर किसके द्वारा कराया जाएगा? रिमोट सेंसिंग रेडिएशन के द्वारा, रिमोट सेंसिंग रेडिएशन के द्वारा। अगला है वो है हमारा पायरोमीटर।
अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा रेन गॉज। रेन गॉज क्या है, इसका और भी नाम हो गए, इसे ओडोमीटर भी कहते हैं, पुलोवी मीटर भी कहते हैं, एम्ब्रोमीटर भी कहते हैं, और क्या क्या नाम है इसके, ओडोमीटर, पुलोवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर। इट गैदर्स एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेड ओवर अ सेट पीरियड ऑफ पीरियड। ये गैदर करता है और मेजर करता है अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ पीरियड। कितनी वर्षा पड़ी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें नापते नाप कुछ स्केल बने होते हैं और पर्टिकुलर उसमें नापते हैं कि कितनी बारिश पड़ी, फिर उसके बाद उस मेजर करते हैं कि हमारे कितनी सेंटीमीटर पड़ी, कितनी मिलीमीटर पड़ी। तो जो वर्षा का जो ताप वो होता है उसे हम जो नापते हैं कितनी बारिश पड़ी वो नापी जाती है रेन गॉज से, कि कल एक हफ्ते में कितनी बारिश पड़ी, एक दिन में कितनी बारिश पड़ी, या पूरे सीजन में हमारे कितने बारिश पड़ी। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे मेजर करने के लिए वो होता है हमारा रेन गॉज। क्या होता है बच्चों, रेन गॉज। मेजरिंग रेन, अगला है हमारा रेडियोमीटर। इट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द रेडिएंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये डिवाइस है ये डिवाइस ऑफ मेजरिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम नापते किसके, रेडियोमीटर के द्वारा। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर ए डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन को, इंडेक्स को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है हमारा, रिफ्रेक्टोमीटर। एक मिनट रुकिए, जो कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। रिफ्रेक्टोमीटर ए डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ रेडिएशन, ए डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को इंडेक्स को मेजर करने के लिए यूज होता है हमारा रिफ्रेक्टोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा सेलिनोमीटर, जो हमारे समुद्र में कितनी सैलिनिटी है, सैलिनिटी क्या होती है, नमक कितना मिला हुआ है, उसे मापने के लिए यूज होता है। सेलिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द सैलिनिटी ऑफ वाटर, उसमें कितनी लवणता है, कितना नमक मिला है, उसे मेजर करने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा सेलिनोमीटर। सबसे ज्यादा नमकीन पानी कहां का है, हमारे डेड सी का,
डेड सी का। इसके अलावा लेक हुआन है टर्की में, उसका पानी भी बहुत नमकीन है। भारत में जो हमारी सांभर लेक है जो राजस्थान में, उसका पानी सर्वाधिक नमकीन है। तो अगर हमें इनकी कितनी सैलिनिटी है किसके द्वारा नापेंगे, सैलिनोमीटर के द्वारा, टू मेजर सैलिनिटी ऑफ वाटर। सैकेरीमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन है उसे मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, सैकेरीमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में शुगर चीनी का क्या कंसंट्रेशन है उसे मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमारा, सैकेरीमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इनकी शुगर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए होता है हमारा सैकेरीमीटर। सैकेरीमीटर अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू नो द हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज फॉर नेविगेशन एंड टू डिटरमाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो हमारे आसमान में होती हैं, जैसे हमारा सन एक सेलेस्टियल बॉडी है, हमारे तारे सब सेलेस्टियल बॉडी हैं, इसके अलावा प्लेनेट्स हैं जो हम सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मेटियोर्स हैं, स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट, मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज टू नोन एज द हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज फॉर नेविगेशन टू डिटरमाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को भी डिटरमाइन करता है। तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स होती है हमारी सीधी वर्टिकल लाइंस, और लॉन्जिट्यूड्स होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और लैटिट्यूड्स लाइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी को जो मेजर करने वाला होता है वो होता है हमारा सेक्सटेंट। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर बड़ा लंबा नाम है भाई स्फेग्नोमैनोमीटर का। स्फाइग्मोमैनोमीटर एन एपरेटस यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। जो हमारे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है हमारा, होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। मैंने पूरी तरह से बोल दिया, प्रोनाउंस कर दिया।
अल्टीमीटर के द्वारा क्या नाम दे, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एरोप्लेन। एल्टीट्यूड जो है, एल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं, मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एरोप्लेन। अमीटर के द्वारा नापते हैं, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एनीमीटर के द्वारा नापते हैं स्पीड ऑफ, मेजरिंग द विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। एक्शनोमीटर के द्वारा नापते हैं हम, मेजर द हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। हीटिंग पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। एक बार रिवीजन का, ऑडियोमीटर हियरिंग एक्यूरेटली के बैरोग्राफ करता है हमारा, रिकॉर्ड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द टाइम फॉर्म, टाइम इन ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफ की फॉर्म में बैरोमीटर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलोमीटर इंसिडेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैलिफर्स दो डिस्टेंस को नापने के लिए जो है आ रहे हैं हमारे, जो है हमारे कैलिफर। आई थिंक अब आपको आवाज सही आ रही होगी। कैलोरीमीटर होता है, कैलोरी मेजर द हीट ऑफ केमिकल के, और केमिकल और फिजिकल चेंज के बाद जो है हमारी डिस्टेंस, जो हमारा उसमें वॉल्यूम में चेंज आता है, वो आता है हमारे कैलोरीमीटर के द्वारा। कार्डियोग्राफ हृदय से रिलेटेड होता है। क्रोनोमीटर होता है हमारा, सेलर्स यूज करते हैं। कैलोरीमीटर हमारे पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करने के लिए आता है। कैथ्रोमीटर आता है हमारे वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। क्रायोमीटर आता है वेरी लो टेम्परेचर को नापने के लिए। साइक्लोट्रोन आता है हमारे एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स को हटा देता है, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल को ये हटा देता है। क्रिस्टोग्राफ जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को ये नापता है, प्लांट्स की ग्रोथ को ये नापता है। क्लिफर्ड्स यू के डेल्टोमीटर वॉल्यूम चेंज ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। डिप सर्किल क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज का डिस्टेंस मापने के लिए आता है। डायनामो के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामोमीटर होता है फोर्स, टॉर्क और पावर से एनर्जी को हमारा इंजन का कन्वर्ट करता है। ईईजी से हम जो है दिमाग की जांच करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से हमारा करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज का। इलेक्ट्रोस्कोप होता है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी बॉडी पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं। इवोरीमीटर एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, कितना इवोपरेशन हुआ है बॉडी का उसके द्वारा हम मापते हैं जो है। एंडोस्कोप पेट की जांच के लिए होता है, इसमें एक कैमरा फिट होता है। पेडोमीटर डेप्थ ऑफ सी। फ्लक्सीमीटर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए, इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। ग्रेविमीटर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के लिए होता है। गायरोस्कोप मेजरिंग द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को मापने के लिए आता है। हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर में होता है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, ये ह्यूमिडिटी के लिए। हाइड्रोफोन लिसनिंग द अंडर वाटर साउंड, अंडर वाटर साउंड हम किसे नापते हैं, हाइग्रोफोन के द्वारा। हाइग्रोस्कोप से इंडिकेट द ह्यूमिडिटी ऑफ वायु में कितनी ह्यूमिडिटी है, वो हाइग्रोस्कोप के द्वारा। माइक जो होता है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो होता है माइक्रोफोन। माइक्रोटोम होता है हमारी एक जो बायोलॉजी में जो थिन शीट्स में काटते हैं, वो माइक्रोटोन के द्वारा। नेफ्रोस्कोप बादल की क्या गति है, कितनी हाइट पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हम नापते हैं नेफ्रोस्कोप के। ओडोमीटर व्हील्ड वीकर द्वारा जो ओडो डिस्टेंस आता है, वो हमारा ओडोमीटर होता है। ओंडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील्ड वीकर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो ओडोमीटर को ओंडोमीटर के द्वारा होता है। मेजर द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। पेरिस्कोप दूर हाइट पर देखने के लिए होता है हमारा इस्तेमाल। फोनोमीटर होता है मैकेनिकल रिकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, मैकेनिकली जो साउंड को मैकेनिकली रिप्रोडक्शन करने के लिए। फोटोमीटर होता है मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी किस लाइट की, वो फोटोमीटर के द्वारा। हमारा पायरोमीटर होता है रिमोट सेंसिंग रेडिएशन ऑफ हाई टेम्परेचर,
और साइक्रोमीटर होता है एपरेटस फॉर मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रेन गॉज पानी की जो वर्षा को नापने के लिए होता है। रेडियोमीटर होता है रेडियंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मापने के लिए। और सेलिनोमीटर पानी में कितना नमक है उसे मापने के लिए होता है हमारा सेलिनोमीटर। और हमारा सैक्रोमीटर पानी में या फिर किसी में कितनी चीनी घुली हुई है उसके लिए सैक्रीमीटर होता है। सेक्सटेन अलग इंस्ट्रूमेंट है। स्फिग्नोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापते हैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति को नापते हैं। स्पीडोमीटर हमारे किस स्पीड से हमारा व्हीकल जा रहा है उसे नापते हैं। विस्कोमीटर होता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए। विंड वेन होता है डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए। बच्चों किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए। सोनार होता है सबमरीन्स में जो है अंडर वाटर क्या चल रहा है उसे नापने के लिए। और ये इको प्रिंसिपल पे होता है। रडार होता है हमारा रेडियो वेव्स पे। और रेंज एंगल और वेलोसिटी मापी जाती है रडार के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 11 बजे। जो हम फिजिक्स के और टॉपिक बचे उन्हें कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का टॉप हाँ इसकी PDF मिलवा देंगे आपको, है ना। कल फिर मुलाकात होगी 11 बजे। 11 बजे का कल टॉपिक है आपका साउंड और स्केलर वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी और जो है मेजरमेंट के लिए। इसकी अभी हम PDF जो डलवा देंगे कल मिल जाएगी आपको, है ना। इसकी PDF जो है जो जितने भी हैं उसकी, वरना आप इनके फोटो खींच लेना। फोटो खींच के भी आपको सब काम हो जाएगा इसका। कल फिर मुलाकात आपके लिए। गुड नाइट।